नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष, मैं हूं श्वेता सिंह। दिल्ली में आम आदमी की आवाज बनकर उभरी आम आदमी पार्टी और इस आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नायक के रूप में उभरे अरविंद केजरीवाल, लेकिन केजरीवाल के विजय पथ पर उनके सहयोगी रोड़ा अटका रहे हैं। कहीं किसी की महत्वाकांक्षा है तो कहीं बगावत के सुर, कहीं बड़बोलापन है तो कहीं विवादों का बयान। राजनीति में एक नई संभावना लेकर आए थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन डर है कि कहीं इन संभावनाओं पर केजरीवाल के सहयोगी ही झाड़ू न फेर दें। किसी मंत्री के फैसले से तो पार्टी के किसी नेता के विवादित बोल से केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ रही हैं। भ्रष्टाचार के दलदल में आखिरी सांस जैसी उम्मीद बनकर उभरे थे अरविंद केजरीवाल। तहस नहस हो चुकी व्यवस्था के नए विश्वकर्मा बनकर दिल्ली की राजनीति पर दस्तक दी थी केजरीवाल ने। दिल्ली की सत्ता वाली सियासत से ऊब चुके लोगों की पहली उम्मीद बनकर सामने आए थे केजरीवाल। इसीलिए तो एक झटके में दिल्ली का ताज उनके सिर पर सज गया। मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं। पहली बार पार्टी बनाई, पहली बार चुनाव लड़े और पहली बार में ही दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए। विधि द्वारा स्थापित ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। आंदोलन के गर्भ से निकली एक पार्टी के मुखिया के तौर पर केजरीवाल को यह भी पता था कि चमत्कार को अंधकार में बदलते देर नहीं लगती। इसीलिए अपनी पार्टी के मंत्रियों, विधायकों, नेताओं को आगाह किया कि घमंड में मत आ जाना। मैं केवल अपने मंत्रीगण से, अपने कार्यकर्ताओं से, अपने विधायकों से एक प्रार्थना करना चाहूंगा, हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगा कि कभी ऐसा ना हो कि हमारे मन में घमंड आ जाए। कभी हमारे मन में कभी घमंड नहीं आना चाहिए। ये मंत्री पद का अगर घमंड आ गया, विधायकी का घमंड आ गया तो दोस्तों फिर उस दिन हमारा ये सारा संघर्ष बेकार हो जाएगा। लेकिन सरकार बने 15 दिन नहीं बीते कि किसी के जुबान पर घमंड चढ़ा तो किसी की नीयत पर, किसी की महत्वाकांक्षा इतनी भारी हो गई कि बीच भंवर में आपकी नैया हिचकोले खाने लगी तो किसी के कानूनी दांवपेच पर सवाल उठने लगे। केजरीवाल की पार्टी में कमजोर कड़ियां चटकने लगी। दिल्ली सरकार में मंत्री बनी राखी बिरला की गाड़ी पर हुए हमले से सुरक्षा मामले पर किचकिच शुरू हुई। केजरीवाल सरकार में शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के छात्रों के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में 90% सीटें रिजर्व करने की बात क्या की, आपके देशव्यापी बनने की उम्मीदों पर विरोध के बादल मंडराने लगे। केजरीवाल के कानून मंत्री सोमनाथ भारती पर एक आरोपी को बचाने के लिए गवाह को प्रभावित करने का आरोप लगा। मंत्रियों पर लगे आरोप के दर्द से केजरीवाल निपटते कि दूसरी तरफ प्रशांत भूषण की कश्मीर से लेकर नक्सल समस्या पर विवादित बयान ने विरोध की एक और आग लगा दी। जिस कवि को केजरीवाल ने राहुल गांधी से लोहा लेने के लिए अमेठी भेजा है, उसका जरूरत से ज्यादा गर्जन तर्जन कहीं केजरीवाल पर ही भारी न पड़ जाए। और सबसे बड़ी सिरदर्दी बन गए हैं आपके विधायक विनोद कुमार बिन्नी। पार्टी कह रही है कि आप लोकसभा का टिकट मांग रहे थे। ये सर, महत्वाकांक्षा है आपकी और इसकी वजह से पार्टी। कल मैं आपको बता दूं कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये पता चलेगा कौन महत्वाकांक्षी है, कौन महत्वाकांक्षी नहीं है। जब मुद्दे आपके सामने आएंगे, जब आप जनता के बीच में जाएंगे, सब चीजें जनता के बीच में जाएंगे, उसके बाद जनता ये तय करेगी कौन महत्वाकांक्षी लोग है, कौन नहीं। आम आदमी की उम्मीदें रामलीला मैदान से निकलकर देश के अलग अलग हिस्सों में आपकी टोपी और झाड़ू से जुड़ चुकी थीं, लेकिन उम्मीदों का कारवां केजरीवाल के घर में ही मचे घमासान और विरोध के सामने ठहरता दिख रहा है। रवीश पाल सिंह, दिल्ली आज तक। अरविंद केजरीवाल की सरकार बने ज्यादा वक्त नहीं बीता है, लेकिन आम आदमी पार्टी के ही एक विधायक विनोद कुमार बिन्नी ने दोबारा बगावत कर दी।
बिन्नी का आरोप है कि सरकार अपने मूल एजेंडे से भटक गई है, लेकिन पार्टी का कहना है कि बिन्नी के सुर लोकसभा के लिए पार्टी टिकट नहीं मिलने से बदले हैं। तीर की तरह केजरीवाल के घर से निकल पड़े थे विनोद कुमार बिन्नी, तब तो सरकार भी नहीं बनी थी, लेकिन माननीय मंत्री बनने की ऐसी बेचैनी कि लिस्ट में अपना नाम नहीं देखा तो बुरी तरह रूठ गए। अब आदर्श और अनुशासन के पाए पर खड़ी होने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी के नेताओं से जवाब देते नहीं बन रहा था। आधी रात को खीर खाने खिलाने के बहाने किसी तरह बिन्नी की बगावत को आपने मैनेज किया, हालांकि अंदर की खबर ये आई कि केजरीवाल ने बिन्नी को मैसेज भेज दिया था कि मंत्री बनने की बेताबी है तो पार्टी से बाहर जा सकते हैं। बिन्नी को अपनी हैसियत का अंदाजा हो गया, तब तो वो शांत हो गए, लेकिन ऊपर की खामोशी नीचे के उबाल को रोक नहीं पाई। 20 दिन के भीतर बिन्नी ने जहर बुझे तीर चला दी। आप कोई कार्रवाई गलती कर को तो अरे पार्टी पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की थोड़ी है, पार्टी कार्रवाई करेगी तो वो अपना जनता के बीच में फिर जाएंगे। जनता हमारे लिए मालिक है, जनता के मुद्दे लेके हम जनता के बीच में है। जनता उसको लगता है कि पार्टी को जनता के मुद्दे उठाना एक गुनाह है तो पार्टी जो मर्जी कार्रवाई करे, अपने को परवाह नहीं है। केजरीवाल ने तो बदलाव की राजनीति शुरू की थी, लेकिन बदलाव पर भीतरघात का डर बिन्नी जैसे बागियों के चलते मंडराने लगा है। बिन्नी का आरोप है कि पार्टी सरकार बनने के 15 दिनों के भीतर ही अपने मूल एजेंडे से भटक गई है, लेकिन आम आदमी पार्टी का कहना है कि यह सब बिन्नी की महत्वाकांक्षा का नतीजा है। आपके मुताबिक बिन्नी पहले तो दिल्ली सरकार में मंत्री बनने के लिए मचल रहे थे, मंत्री पद नहीं मिला तो अब अपनी विधायकी को सांसदी में बदलने के लिए बेताब हो रहे। पहले वो मंत्री पद के लिए आए थे मेरे पास, हमने मना कर दिया। उसके बाद फिर वो बोले कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा, मेरे घर पे आए वो लोकसभा के टिकट मांगने के लिए। तो पार्टी ने अब निर्णय लिया कि भाई जो भी सिटिंग एमएलए हैं उनको एमपी के लिए टिकट नहीं देंगे। कि बिन्नी के ये बागी तेवर खुद उनके लिए ज्यादा नुकसानदेह होते हैं या फिर अरविंद केजरीवाल की छवि के लिए? हो सकता है कि बिन्नी का विरोध और बढ़े, या ये भी हो सकता है कि वो शांत पड़ जाए, लेकिन बिन्नी की बगावत ने आपके विरोधियों को चुटकी लेने का मौका जरूर दे दिया है। केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली की जनता से किए वादों को पूरा करना है, दूसरी बड़ी चुनौती लोकसभा चुनाव है, लेकिन इन सबसे बड़ी चुनौती अपनी पार्टी के तमाम बिन्नियों पर लगाम कसना है। श्वेता शर्मा के साथ रवीश पाल सिंह, दिल्ली आज तक। विनोद कुमार बिन्नी के बागी तेवर से निपटने के लिए आम आदमी पार्टी क्या करेगी ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन कुमार विश्वास पर बढ़ता विवाद भी केजरीवाल के लिए एक बड़ा सरदर्द है। पहले तो कुमार विश्वास पर आम आदमी पार्टी में शामिल हुई मल्लिका साराभाई ने उंगली उठाई, फिर बरेली में धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में मुकदमा भी हो गया। जब प्रियंका गांधी आएंगी कैंपेन करने के लिए तब क्या होगा, क्योंकि वो जब आती हैं और जब डेरा जमाती हैं अमेठी और रायबरेली में तो एक तरफ से जो वोटों की लहर है वो चेंज हो जाती है। पिछली बार वो आई थी सारी विधानसभा सीट हार गए थे रायबरेली और अमेठी में, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी वो आए, क्योंकि मेरी सफलता बहुत आवश्यक है, आम आदमी की सफलता बहुत आवश्यक है। कुमार विश्वास खुद को कवि कहते हैं, लेकिन इस कवि की कल्पना की उड़ान अक्सर अपनी दिशा भटक जाती है, फिर तो ना तो इनका लय सुर में होता है और ना ही जुबान पर काबू। कुमार विश्वास के खिलाफ तो बरेली में धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में मुकदमा भी दर्ज हो गया है। जी, आज बरेली के थाना कोतवाली में मैंने कुमार विश्वास के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के संबंध में मुकदमा दर्ज कराया है। हालांकि मुकदमेबाजी से ठीक पहले हाल ही में आम आदमी पार्टी में शामिल हुई मशहूर नृत्यांगना मल्लिका साराभाई ने कुमार विश्वास पर सवाल उठा दिया था। मल्लिका ने पूछा कि चाहे महिलाओं का मामला हो या मुसलमानों का या फिर मोदी के महिमा मंडन का, क्या कुमार विश्वास इस पर सफाई देंगे? जब से मैं आपकी सदस्य बनी हूँ तब से मुझे YouTube लिंक्स भिजवाई गई है, बहुत लोग भेजते हैं और वो काफ़ी चिंताजनक है। उसमें औरतों के प्रति उनकी जो एटीट्यूड थी या है मैं नहीं जानती, वो किसी भी औरत के लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग है। नॉट ओनली दैट, उनकी माइनॉरिटीज़ के व्यूज़, उनके होमोसेक्सुअल्स के व्यूज़ चिंताजनक है मेरे लिए। और उनकी एक वीडियो है जहां उन्होंने मोदी जी को शिव भगवान के साथ कंपेयर किया है और
दुनिया का विष वो पी जाए और पी जा रहे हैं, तो मुझे जानना है आपकी स्पिरिट में कि उनके सही विचार क्या है। जवाब कुमार विश्वास की तरफ से भी आया, लेकिन अहंकार में डूबा हुआ। मैं जानता नहीं वो कौन है, और मैं ये भी नहीं जानता कि पार्टी में कब आई है। 1 करोड़ लोगों को हमें पार्टी में लेना है, ऐसा कॉल है, उसमें वो भी आई होंगी, उनका भी स्वागत है। तो सब लोग अपनी अपनी बातें कहेंगे, मैं किस किस का उत्तर दूंगा। नेतागिरी पर सवाल जवाब चल ही रहा था कि कुमार विश्वास के दिल्ली हिंदी अकादमी में शामिल किए जाने पर बवाल मच गया। उपाध्यक्ष की कुर्सी एक दूसरे कवि अशोक चक्रधर की जगह कुमार विश्वास को मिल गई। चक्रधर ने हिंदी अकादमी छोड़ भी दी। इस पर विश्वास से पूछा गया तो क्या जवाब मिला, ये सुन लीजिए। अब अशोक चक्रधर की समस्या है ना कि उसको, या सरकार की प्रॉब्लम है कि सरकार किसका रेजिग्नेशन कब एक्सेप्ट कर रही है। उन्होंने भेजा अभी अरविंद केजरीवाल, सारा काम छोड़ के उनका पहले एक्सेप्टेशन करें, उसके बाद नया आदमी चुने। कुमार विश्वास की जुबान है कि रुकती ही नहीं, लेकिन डर तो केजरीवाल को सता रहा होगा कि क्या पता कवि की कल्पना उनके रास्ते में पत्थर न बन जाए। कुमार विश्वास एक कवि है, एक ऐसे कवि जिनकी जबान उनकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा आगे चली जाती है। यहाँ अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ ताल ठोक रहे कुमार विश्वास कांग्रेस के लिए तो सरदर्द बाद में बनेंगे, लेकिन उससे पहले वो अपनी ही पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के माथे पर अपने बड़बोलेपन के चलते चिंता की लकीरें बढ़ा रहे हैं। केजरीवाल के इस कुमार को पूरा विश्वास है कि अमेठी में आपका झाड़ू चलेगा, अमेठी में आपका प्रचार भी शुरू हो गया, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि बार बार फिसलती जुबान केजरीवाल के लिए उल्टी पड़ जाए। बरेली में कृष्ण राज और अमेठी में रितुल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। अरविंद केजरीवाल सरकार में कानून मंत्री सोमनाथ भारती भी कानूनी पचड़े में फंस गए। सीबीआई की अदालत ये कह चुकी है कि 116 करोड़ के एक बैंक धोखाधड़ी में भारती ने आरोपी को बचाने के लिए सबूतों से छेड़छाड़ की थी। केजरीवाल ने भारती का बचाव तो किया है, लेकिन सवाल है कब तक। अरविंद केजरीवाल के कानून मंत्री सोमनाथ भारती तो खुद ही कानूनी पचड़े में फंस गए। सीबीआई ने स्टेट बैंक ऑफ मैसूर में हुए 116 करोड़ के घोटाले में उन्हें सबूतों से छेड़छाड़ का आरोपी करार दिया है। सवाल अब सीधे साख पर था, लिहाजा सोमनाथ भारती से पहले उनके बचाव में केजरीवाल खड़े हो गए। हम कोर्ट की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन इस मामले में कोर्ट की ऑब्जर्वेशन बिल्कुल गलत है। बड़े ऑफिसर को फंसाने के लिए एक ऐरे गहरे आदमी को बलि का बकरा बनाया जा रहा था, जिसको ये डिफेंड कर रहे थे, और जो स्टिंग ऑपरेशन किया गया था उसको जज ने टेम्परिंग ऑफ एविडेंस कहा है, ये टेम्परिंग ऑफ एविडेंस नहीं है। केजरीवाल ने अपनी तरफ से बचा लिया तो अपनी सफाई देने सोमनाथ भारती भी आ गए। आप अगर पूरे ऑडियो रिकॉर्ड को सुनेंगे तब आपको सच मालूम पड़ेगा, सच क्या और झूठ क्या है। आई क्लियरली स्टेटेड ऑन बोथ द ऑनरेबल कोर्ट्स दैट प्लीज गो थ्रू दिस ऑडियो टेप, बोथ द ऑनरेबल कोर्ट्स रिफ्यूज टू गो थ्रू द ऑडियो टेप। लेकिन केजरीवाल के बचाव और सोमनाथ की सफाई पर भी विपक्ष बख्शने को तैयार नहीं दिखता। उसमें करेंगे अपने मुलजिम के लिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की, उन्होंने गवाह को फोन किया, तो ऐसा मामला देखते हुए मुझे लगता है कि सोमनाथ भारती जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। सोमनाथ भारती का दावा है कि स्टेट बैंक ऑफ मैसूर की बड़ी मछलियों को बेनकाब करने के लिए उन्होंने एक ऑडियो सीडी तैयार कराई थी, ताकि ये बताया जा सके कि कैसे पवन कुमार को अकेले आरोपी बनाने की साजिश रची गई है। लेकिन सवाल है कि पवन कुमार को बचाने के चक्कर में सोमनाथ भारती और सोमनाथ को बचाने के चक्कर में कहीं केजरीवाल की साख दांव पर न लग जाए। कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।